السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا हर किस्म दी हमदो सना किबरियाई और अजमत दे पाक मुअल्ला कलमे अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात वास्ते खास ने जो पूरी कायनात दा खालिक व मालिक राजी को दाता है मुश्किल कुशा और हाजित रवा है अनगिनत लातादाद बेशमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते सामईन मोहतरम मेरा इरादा सी कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत दी रहमत दे हवाले नाल बयान करदा लेकिन भाई हफीजुर रहमान साहब हफीज इस्लामिक सेंटर वाले उन्होंने इसरार किया है कि तुसी फतह मक्का बयान करना दुआ करो अल्लाह मैनू सही बयान करने दी तौफीक अता फरमाए और उहदे अंदरों अगर सानू कोई सबक मिले तो अल्लाह अमल करने दी तौफीक अता फरमाए फतह मक्का दा ताल्लुक भी रमज़ानुल मुबारक दे महीने दे नाल है छे हिजरी अंदर प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि असी बैतुल्ला दे अंदर गए हैं और साढ़े नाल 1400 दा लश्कर भी है असी बैतुल्ला अंदर जाके बैतुल्ला दा तवाफ कर रहे हैं सफा मरवा दी सही कर रहे हैं और जमजम दा पानी पी रहे हैं और तुसी जानते हो कि नबियां दा ख्वाब वही होया करदा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उसे साल ही अपने 1400 सहाबा नू नाल लिया और नबी अलैहि सलातो सलाम ने अहराम बने है सहाबा इकराम ने अहराम बने है ते उमरे दी नियत दे नाल मक्के दी तरफ जाना शुरू कर दिता ताकि अल्लाह दे इस ख्वाब नू और हुक्म नू पूरा कीता जा सके उधर मक्के दे काफरां नू पता चलदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 दा लश्कर लैके आ रहे ने उन्होंने हुदैबिया दे मुकाम ते नबी अलैहि सलातो सलाम नू रोक दिता है और ये पैगाम भेजे है कि असी ना तुहानू मक्के दे अंदर दाखिल होंदे ने ना तवाफ करन देना है ना सफा मरवा दी सही करन देनी है ना जमजम दा पानी पीन देना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने सफीर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु नू भेजे है
कि जाओ जाके उन्हां नाल गल करो कि असी ते अहराम पाए ने, अहराम दी हालत अंदर बंदा लड़ाई नहीं कर सकदा, अहराम दी हालत अंदर ते बंदा किसे शिकार नूं भी नहीं मार सकदा, लड़ाई करना ते दूर दी बात है। लिहाजा असी लड़ाई दी नीयत नाल नहीं, असी उमरे दी नीयत नाल आए हां, सानूं मक्के अंदर उमरा करम दिता जाए। उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा कि तुसी उमरा कर लो और तुसी तवाफ भी कर लो, जमजम भी पियो, लेकिन तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नू और उहदे सहाबा नू मक्के अंदर आन दी इजाजत नहीं देंगे। ते हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अगो पता ही की जवाब दिता है। हजरत उस्मान आंदे ने जे ना सरकार जे ना हो सन मैं ना तवाफ कर सा। ए हुंदी है यारी, ए हुंदी है दोस्ती, मौके ते बंदा अपने दोस्त दे कम आए, इनू यारी कहंदे ने। अगे पिछे बंदा जफियां पाए, घुट घुट के ते चुक चुक के करे सलाम, ते ऐन मौके ते अपने दोस्त नू छड जाए, या मुखालफ पार्टी अंदर नजर आए या नजर ही ना आए, ते फिर यकीन जानो ओ यार हो सकदा। जिहड़ा मौके ते साथ छड जाए उन्हूं मुनाफक ते किया जा सकदा, यार नहीं किया जा सकदा। और फिर जिहड़ा अपने जालम भरा दी, मजलूम भरा दी, जालम और मजलूम दोवां सूरतां अंदर मदद ना करे, उन्हूं भी मुसलमान कहंदे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यार यारां दी मदद करदे ने, जालिम होए तद भी मदद करो, ओदा जुल्म तो हाथ रोक के, और मजलूम होए ते तद भी मदद करो ताकि जालिम ओदे ते जुल्म ना कर सके। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने, सरकार जे ना हो सन मैं ना तवाफ कर सा, सोहने दे नाल जी सा, सोहने दे नाल मर सा। उस्मान दे दिल दे अंदर, उस्मान दे दिल दे अंदर किन्ना दर्द मुस्तफा दा, रुतबा खुदा वदाया उस्मान बाहया दा, उस प्यान प्यारे वांगों, उस्मान प्यारे वांगों मजलूम होर कोई नहीं, 40 दिना दा प्यासा मखदूम होर कोई नहीं। जिन्ना शहीद कीता, जिन्ना शहीद कीता ओ टोला यहूदियां दा, रुतबा खुदा वदाया उस्मान बाहया दा। निकले लहू दे कतरे कुरआन ते जा समाए, निकले लहू दे कतरे कुरआन ते जा समाए, फसयक फी कहूं मुल्ला दे बिस्तर ते जा लटाए। करदा रिया तिलावत, करदा रिया तिलावत हर कतरा बा वफा दा, रुतबा खुदा वदाया उस्मान बाहया। हजरत उस्मान फरमांदे ने रजी अल्लाह ताला अन्हु, ओ मक्के दे ओ काफरो, मेरा पैगंबर हुदैबिया दे मुकाम ते हुए ते मैं तवाफ कराए नहीं जे हो सकदा। ते उधरों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लश्करम
अंदर अफवाह फैल गई है, नबी पाक तक भी इतला पहुंच गई है, अफवाह पहुंच गई है कि इन जालिमा ने हजरत उस्मान नु शहीद कर दिता है रजी अल्लाह ताला अन्हु। ते जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सुनया है ते आका फरमांदे ने मेरे सहाबा मेरे हाथ ते बैत करो, जिन्नी देर तक उस्मान दे खून दा बदला नहीं लवांगे उन्नी देर तक वापस जाना। इथे रुक के एक होर मसला भी समझ लो, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो दे शहीद होम दी अफवाह फैलाई गई सी, पैगंबर अलैहिस्सलाम दा सहाबी मक्के दे अंदर जिंदा है, नबी पाक सुलह हुदैबिया दे मुकाम ते अपने सहाबा दे कोलो उहदे खून दा बदला लैण दी बैत लै रहे ने, पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं इतला नहीं पता नहीं कि मेरा सहाबी मक्के अंदर जिंदा है या वाकई शहीद कर दिता गया है। अगर पैगंबर आलिमुल गैब हुंदे ते नबी पाक उस्मान दे खून दे बदले दी कदी सहाबा कोलो बैत लैंदे ना लैंदे। एदा मतलब ए आ आलिमुल गैब जात है ते सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दी जात है। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने सहाबा कोलो बैत लेना शुरू कर ली। हाथ दे मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दा आपने अपना हाथ फैलाया ते अपने एक हाथ ते दूसरा हाथ रखिया। नबी पाक फरमांदे ने एक हाथ मेरी बैत दाए ते दूसरा हाथ मेरे उस्मान दाए। ओ सहाबा आओ ना अपने अपने हाथ रख के बैत करो, मर जावांगे लेकिन उस्मान दा बदला लैन तो वापस नहीं जावांगे, बदला लिया बगैर वापस नहीं जावांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने बैत कर लई है। अल्लाह फरमांदे ने यदुल्लाहि फौका अईदीहिम, ए मेरे पैगंबर एक तेरा हफ्ते दरम्यान अंदर 1400 सहाबा दा हफ्ते ते उना दे उते मैं रब दा हाथे, ते जड़े हाथ अल्लाह और नबी पाक दे हाथ दे दरम्यान आ जान कदी ओ हाथ आग दे अंगारे अंदर जा सकदे नहीं जा सकदे। ते अल्लाह ने आसमान तो कुरान नाजल कर दिता, अल्लाह फरमांदे ने लकद रजी अल्लाह अनिल मुमिनील इज युबायूनक तहत शजरति फअलिम मा फी कुलूबिहिम फअंजल सकीनत अलै وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जड़े 1400 मोमन दरख्त दे थले तेरे हाथ ते हजरत उस्मान दे खून दा बदला लैन वास्ते बैत कर रहे ने, मैं रब उन्हां ते राजी हो गया वा, मैं अल्लाह ने उन्हां वास्ते रजा ममदी दे ऐलान कर छड़े ने। अल्लाह अकबर। उन्हां 1400 सहाबियां अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक भी ने, उन्हां 1400 सहाबियां दे अंदर हजरत उमर फारूक भी ने, उन्हां 1400 सहाबियां दे अंदर नबी पाक दा सफीर हजरत उस्मान भी है। अल्लाह अकबर। कायनात दा कोई काला इस आयत अंदरों कुरान मजीद दी ना हजरत उमर नूं कढ सकदा है, ना हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं कढ सकदा है, ना हजरत उस्मान नूं कढ सकदा है। जिहड़ा कुरान दी इस आयत नूं मिटाना चाहेगा खुद मिट जाएगा। जब तक जमीन है जब तक आसमान है, मेरे पैगंबर दे सहाबा दे बारे ए आयत कुरान अंदरों मिटा सकदा नहीं मिटा सकदा। लकद रजी अल्लाह अनिल मुमिनीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी बैत दा काफरां नूं पता चल गया, हुण ओह सुलह दा पैगाम भेज रहे ने ते नबी पाक कोल अपने सफीर भेज रहे ने। उरवा सकवी आया ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नूं देख रहा है, सहाबा नूं देख रहा, नाले मुहब्बतां चेक कर रहा है। अल्लाह दे पैगंबर जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर देने ते सहाबा वजू दा कतरा जमीन ते नहीं डिगन देंदे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा लुआब मुबारक भी सहाबा जमीन ते नहीं डिगन दे रहे। ते उरवा सकफी ने जिस वक्त नबी पाक नाल सहाबा दी मुहब्बत देखी है ते जाके कुरैश नूं की कहंदा है, अल्लाहु अकबर। वह कहंदा है टल जाओ, उते पैगंबर अलैहि सलाम दे इतने जानिसार ने जाना दे देंगे लेकिन उंदी गल नहीं छड़ सकदे, जाना दे देंगे उंदा साथ नहीं छड़ सकदे। कहंदे ने उरवा किवें हो सकदा है, ते उरवा की कहंदे ने कहे उरवा सकफी कुरैशां नूं जाके मैं शाहां दे शाही दरबारां नूं डिठा वजू कतरे गिरदे ओ पज पज के पकरन मुहब्बत नल मल दे रुखसारां ते डिठा कहे उरवा सकफी कुरैशां नूं जाके मैं शाहां दे शाही दरबारां नूं डिठा जमाने च ऐसी मिसाली नहीं मिलदी जिवें मैं मुहम्मद दे यारां नूं डिठा गिरे ना थुकदी एक छिट भी जमीन ते मैं सा कदी भी नजारां नहीं डिठा। जदों उरवा सकफी ने जाके उन्हां नूं कुरैशियां नूं मक्के वालियां नूं हकीकत सुनाई है ते उह सुलह दा पैगाम भेज रहे ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल अपना सफीर भेजे है ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कह रहे ने सुलह कर लो ते सुलह दियां शर्तां भी तय कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है दसो। कहंदे ने पहली शर्त ए आ कि तुसी बगैर उमरा करियो वापस जाओगे, अगले साल आके उमरा करोगे। ते नबी पाक फरमाते ने मंजूर है। और उन्होंने कहा दूसरी शर्त ये आ कि अगर कोई साडा बंदा तुहाडे कोल जाएगा तुहानू वापस करना पेगा, और अगर तुहाडा कोई बंदा आएगा ते असा वापस करना नहीं करना। नबी पाक ने फरमाया मंजूर है। और तीसरी शर्त ये आ कि दो कबीले ने बनी बकर और बनी खुजा इन्हां विचों जेड़ा जिदे नाल मिलना चाहे मिल जाए हलीफ बन जाए। और बनी बकर जेड़े ने कुरैश दे हलीफ बन गए, बनू खुजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हलीफ बन गए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने अल्लाह दे पैगंबर क्या असी हक ते नहीं? नबी पाक फरमांदे ने असी हक ते हां। हजरत उमर फरमांदे ने अगर अज लड़दे शहीद लड़दे हां अगर मौत आ जाए रूह परवास कर जाए तो क्या असी शहीद नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने हां हां शहीद हां। फरमाया अल्लाह दे पैगंबर फिर फैसला मेरी समझ अंदर नहीं आंदा, तुसी इन्ना झुक के फैसला क्यों कर रहे हो? नबी पाक फरमांदे ने आना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह दा रसूल हां। और नबी दे फैसले नू मन्या जांदा है, नबी दे फैसले ते एतराज नहीं कीता जांदा। बात नबी पाक दी होए ते हजरत उमर दी भी राय चल सकती नहीं चल सकती। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर दौड़दे दौड़दे हजरत अबू बकर सिद्दीक कोल गए ने, जाके कहंदे ने तुसी भी खामोश हो, नबी पाक ने इन्ना झुक के फैसला कीता है मेरी समझ अंदर नहीं आंदा। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक भी अगो कहंदे ने हुआ रसूलुल्लाह, ओ अल्लाह दे रसूल ने उन्होंने जो फैसला किया बेहतरी किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले गए। अल्लाहु अकबर, दिन गुजर रहे ने ते कुरैशी तो बार बार सता रहे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू, तरह तरह दियां साजिशां कर रहे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खिलाफ, पहले भी करते रहते सन। ते एक दिन ऐसा भी आया कुरैशियां ने अपने हलीफ कबीले बनी बकरा
रुकिया है। चलो ना बनी खुजा ते हमला कर दियो ना दी इट नल इट वजा दियो। अल्लाह अकबर ते बनू बकर ने बनू खुजा ते हमला कर दिता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हलीफ बनू खुजा नू बड़ा मारिया है। इन्होंने हरम अंदर जाके पना लिये ते हरम अंदर भी उन्होंने नहीं छड़िया, हरम दा तकद्दस भी पैमाल कीता है। ते बनू खुजा दा सरदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जांदा है, जाके दास्तान सुनांदा है, अल्लाह दे पैगंबर बनू बकर ने साडे ते हमला कर दिता है, असी हरम अंदर पना लिये ते उन्होंने सानू हरम अंदर भी नहीं छड़िया। और अल्लाह दे पैगंबर उन्होंने हमला कुरैशियां दे कहन ते कीता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहदी गल सुन रहे ने ते आसमान वल नबी पाक ने निगाह दुड़ाई है। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने यार खुजाई परेशान ना हो, ए बदली देखना ए मक्के दे फतह होण दा पैगाम लेके आई है, मक्के दे फतह होने का पैगाम लैके आईए। नबी पाक ने उस वक्त ही इन कुरैशियों ने मुआदा तोड़ दिता है। नबी पाक ने उस वक्त ही मस्जिद नबवी अंदर अपने सहाबा नू बुलाया है और बुला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीटिंग की थी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 का लश्कर तैयार कर लिया है। 8 हिजरी है ते 10 रमजानुल मुबारक है, बरोज मंगल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 दा लश्कर तैयार करके मक्के वाल निकले। ते जो नबी पाक मदीना हिजरत करके आए सी ते उदो किन्ने सन? सिर्फ 4। नबी पाक दे 2 गुलाम, एक नबी पाक खुद ते चौथे हजरत अबू बकर सिद्दीक। सिर्फ 4 सन ते हुण जदों आ रहे ने ते किन्ने ने? 10,000। ये बरकतां इखलास दियां, ये बरकतां तौहीद दियां, ये बरकतां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत दियां, ये बरकतां नबी पाक दी इताब दियां। अल्लाहु अकबर, ये 10,000 दा लश्कर आ रहा है ते प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखे है। नबी पाक नू रोज़ा लग जांदा है ते खुद ही मुकाम ते नबी पाक ने सवारी ते बह के एक प्याला पकड़े है ते नबी पाक ने रोजा अफतार कर दिता है। अल्लाह ने क्यामत तक शरीयत बना दिती है मुसाफर नू रोजे दी रुखसत है, लेकिन उसके बावजूद अगर मुसाफर रोजा रख के सफर करना शुरू कर देवे, सफर अंदर रोजा लग जाए ते रोजा खोल देना मेरे नबी पाक दी सुन्नत है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्थे रोज़ा अफतार कीता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कई सहाबा ने भी नबी पाक नू वेख के रोज़ा अफतार कर लिया है। अगे चलदे आ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकामे अबवा ते पहुंचे ते नबी पाक नू अपनी माँ याद आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अपनी माँ दियाँ कब्रां याद आ गई। बेटा इतनिया शाना वाला होए, बेटा इतने मुकाम वाला होए ते माँ जिंदा ना होए, दुख बेटे नू भी आउंदा है। ते फिर कायनात दा सब नालों हुसैन लाल जिस वक्त मां ने अपने नालों जुदा कीता होएगा ते उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वालदा ते की गुजरी होएगी। कबर ते बैठे ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारो कतार रोई जा रहे ने। नबी पाक दी अखियां दे अंदरों आंसू जारी ने। अपनी मां दी कबर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे गुजरे ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस लश्कर दे अंदर मौजूद ने। ते जिस वक्त उतो लश्कर चलन लगे है ते उस वक्त काफरां ने पैगाम उदो ही भेजने शुरू कर दिते सन कि असीं 10,000 लश्कर दा मुकाबला नहीं कर सकांगे, लिहाजा तजदीद सुलह करो। काफला जे चलिया नहीं सी ते इन्हां ने उदो ही सुलह दे पैगाम भेजने शुरू कर दिते सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल भेजिया इन्हां ने अबू सुफयान नू। अबू सुफयान पहले आके हजरत अली नू मिलदा है ते हजरत अली रजी अल्लाह तआला नू फरमान नू आके कहंदा है, नबी पाक दी बेटी तुहाडे निकाम दरे, तुहाडा रिश्ता नबी पाक नाल डबल बनदा है, लिहाजा नबी पाक नू कहो दोबारा सुलह कर लैन। हजरत अली फरमांदे ने, तुसी मक्के जो हरकत कीती है ओ हरकत माफी वाली नहीं, लिहाजा निकल जा, मैं कोई गल नहीं करनी। हजरत अबू बकर सिद्दीक कोल गए ने ते उन्होंने भी जवाब दे दिता है। ते अबू सुफयान सिद्धा अपनी बेटी उम्मे हबीबा दे घर पहुंच जांदा है।
ते जदों बाप अपनी बेटी दे घर पहुंचिया ते उम्मे हबीबा ने जरा चार पई ते बिस्तर पिया सी ओ बिस्तर समेट लिया बिस्तर ते बैन लगिया ना अबू सुफियान ते हजरत उम्मे हबीबा ने ओ बिस्तर लपेट लिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ते ओ कहन लगा बाप घर अंदर आए बेटी दे कोल जाए ते बेटियां नवे बिस्तरे बिछाया कर दिया ने मैं आया वहां ते बेटी तू बिछिया बिस्तरा इकट्ठा कर लिया ते बेटी कहंदी है गल मेरी ध्यान नाल सुन लो तुसी पली तो नबी पाक दा बिस्तर पा के मुशरक पली तो हुंदा है तौहीद वाला मुवहिद पाक हुंदा है नबी पाक दे बिस्तर से कोई पलीत आदमी बह सकता नहीं बह सकता मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी ने एदा बिस्तर नीचे उतार लिया अल्लाहु अकबर अबू सुफियान कोशिश कर लिया कि सुलह दोबारा हो जाए सुलह दोबारा नहीं हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदई मुकाम ते पहुंचे मुकामे अबुआ ते पहुंचे मुकामे अबुआ तो गुजरदिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के दे कोल पहुंच गए ने ते नबी पाक क्यों किस मक्के दियां गलियां अंदर मेरे पैगंबर ने बिलाल नूं घसीटिया गया है इस मक्के दियां गलियां अंदर नबी पाक ते ओजरियां सटियां गईयां इस मक्के दियां गलियां अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु ताने दिते गए इस मक्के दियां गलियां अंदर नबी पाक नु शायर किया गया है इन्हां मक्के दियां गलियां अंदर नबी पाक नु मजनू किया गया है इन्हां गलियां अंदर नबी पाक दा बचपन गुजरिया है ते ना नबी पाक नु रहम दिता गया है नबी पाक दे सहाबा नु रहम दिता गया है अल्लाहु अकबर ते नबी पाक जारो कितार रो रहे ने उम्मे हानी दे घर अंदर नबी पाक पहुंचे ने ते जाके नबी पाक ने नफल अदा कीते ते फिर नबी पाक फरमांदे ने बैतुल्ला दिया जिदे कुल चाबियां ने ओ उस्मान बिन तलहा नु बुलाओ उस्मान बिन तलहा आया नबी पाक कुल चाबियां लेके बैतुल्ला दिया अल्लाह दे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने उस्मान बिन तलहा सुना एक वक्त ओ भी सी कि मैं बैतुल्ला अंदर दाखिल होना चाहता सा नमाज पढ़ना चाहता सा तू कहना सा मक्के दे जड़े सरदार ने काफर उन्हां वास्ते ते बैतुल्ला खुल्ला लेकिन ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू बैतुल्ला अंदर दाखिल नहीं हो सकता ते मैं तैनूं कहा सिना एक वक्त ऐसा आएगा चाबियां मेरे कोल होनगियां मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हों चावांगा मक्के दे अंदर दाखल करांगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा कोलो चाबियां फड़ लईयां ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला अंदर दाखिल हो गए ते बैतुल्ला दे अंदर दाखिल होंदियां नबी पाक नूं बड़ियां खुशियां ने ते नबी पाक ने उत्थे भी जाके दो नफल पढ़े नबी पाक दे उम्मतियों खुशी मिले ते नबी पाक दा तरीका अपनाया करो ढोल कंजर कंजरियां मरासी नचाणा गवैये बुलाना नबी पाक दी सुन्नत नहीं नबी पाक नु जदों खुशी आई है आपने अपना सिर शुक्राने दे अंदर अल्लाह दे सामने झुका दिता है सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने तलहा जनाब बैतुल्लाह अंदरों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल परम तो बाद सारे बुतां नु गिरा दिता है सारे बुतां तो बैतुल्लाह नु पाक कर दिता है नबी पाक बुत गिरा रहे सन नाले अल्लाह दे कुरान दी आयत पर रसन कुल जा अल हक व ज़हक अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका अल्लाहु अकबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम अल्लाहु अकबर बुत गिरांदे जा रहे ने नाले अल्लाह दे कुरान दी आयत पढ़दे जा रहे ने और मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्का फतह हो गया नबी पाक दे सामने
2000 मुशरक कैदी बना के नबी पाक दे सहाबा ने पेश कर दिते ने। हुने सारे 2000 दे 2000 कैदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दे सामने खड़े ने। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तेना ते शफकत पहले ए कीती सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कीता सी जिस वक्त नबी पाक मक्के अंदर दाखिल हो रहे सन ते हजरत साद बिन उबादा कह रहे सन अल यौम यौमुल मलहमा, अज ते जनाब हलाल करम दा देने, अज ज़िबा करम दा देने, अज मक्के दे मुश्करन असी नहीं छड़ना। नबी पाक फरमांदे ने ना ना अल यौम यौमुल मरहमा, ओ सहाबियो अज ज़िबा करम दा दिन नहीं बल्कि अज रहम करम दा देने। वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी पाक फरमांदे ने अज हलाल करम दा ज़िबा करम दा दिल नहीं बल्कि अज रहम करम दा देने। अल्लाहु अकबर। एक ते नबी पाक ने इना ते ए रहम कीता कि नबी पाक ने ऐलान कर दिता जिहड़ा अबू सुफियान दे घर चला जाए ओनू भी माफ कर देंगा। ए ओही अबू सुफियान है जिहड़ा काफरां दी तरफों सुलह करवाण वास्ते गया सी ते नबी दा लश्कर अजे मक्के अंदर दाखिल नहीं होया ते पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया सन। अल्लाहु अकबर। तां वास्ते नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा अबू सुफियान दे घर अंदर दाखिल हो जाए उन्हों भी कुछ नहीं किया जाएगा, जिहड़ा हकीम बिन हिजाम दे घर अंदर दाखिल हो जाए उन्हों भी कुछ नहीं किया जाएगा, जिहड़ा अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उन्हों भी कुछ नहीं किया जाएगा, बूढ़िया नू कुछ नहीं किया जाएगा, बच्चियां नू कुछ नहीं किया जाएगा। नबी पाक ने फरमाया औरतों नू कुछ नहीं किया जाएगा, बीमारां नू कुछ नहीं किया जाएगा, मजदूरां नू कुछ नहीं किया जाएगा, जिहड़ा अगे लग के दौड़ जाए उन्हू भी कुछ नहीं किया जाएगा। ते हजरत साद बिन उबादा कहंदे ने अल्लाह दे पैगंबर सीधी तरह ही कह दियो कि अज किसे नू भी कुछ नहीं कहना। नबी पाक ने उन्हां नाल रहम कीता है जिन्होंने नबी पाक ते जुलम दी अखीर कर छड़ी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ते नबी पाक दे सामने 2000 कैदी खड़े ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नाल मुखातब ने। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने ओ कुरैशियो, ओ मुशरिको, ओ कुरैशियो, तुसी मेरे गले अंदर कपड़े पा के वट दिते ने, तुसी मेरे बिलाल नूं रस्से पा के मक्के दियां अंदर घसीटे है, तुसी मेरी समैया नूं ऊंट दे नाल बन के उंदे दो टुकड़े कर दिते, तुसा मेरी बेटी फातिमा रजी अल्लाहु ताला हफ्ते ताने कसे, तुसी मेरे ते ओजड़ियां सटियां, तुसी मेरे सहाबा ते बड़े जुलम कीते, मेरे सहाबा नूं हबशे हिजरत करके जाना पिया ते तुसी उत्थे भी ना छड़िया, तुसी 2.5 साल तक मैनूं शेबे अबी तालब दी घाटी अंदर बंद करके रखे है, मैं मुहम्मद पत्ते खा खा के गुजारा करदा रहा वा। ऐ मक्के ओ काफरों, अज मैं चावां ते इट नाल इट वजा दियां ते तुहानू सारयां नू कतल कर दियां, लेकिन तुसी दसो अज मैनू तुहाडे नाल की सलूक करना चाहिदा है। ए सारे दे सारे बोल के कहंदे ने अल्लाह दे नबी जी तुसी भी करीम हो, तुहाडा बाप भी करीम सी, तुसी भी करीम हो, तुहाडा बाप भी करीम सी। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने ऐलान कर दिता, आका फरमांदे ने अंतुम तुलका ओला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ओ कैदियो जाओ मैं तुहानू आजाद कर दिता ते मैं तुहानू ओवें ही माफ कर दिते जिवें हजरत यूसुफ ने अपने भरावां नूं माफ कर दिता सी। ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम दी बड़ी कमाल खूबी है कि उन्होंने इतने बड़े जुल्म के बावजूद अपने पुरावां नूं माफ कीता है। और ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी खूबी अल्लाह ने कुरान अंदर बकायदा बयान फरमाई है, और कुरान अंदर किसी नबी की कोई ऐसी खूबी नहीं जड़ी खूबी अल्लाह ने प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अता ना कीती। इस कदर आला अरफा पैगंबर क्यों ना अल्लाह अता करदा, सारे नबियां दा इमाम पैगंबर। अल्लाहु अकबर। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं,
लेकिन आका कमल सब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्जों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने अपने बड़ों से सुना है, बस अल्लाह ही उनसे बड़ा है। मुस्तकिल उनकी इताअत अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, मुत्तबेउ सुन्नत मेरा पता है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर सारे नबियां दियां खूबियां, एक खूबी यूसुफ वाली भी। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने जिवें यूसुफ ने अपने भरावां नूं माफ कीता है, जाओ मक्के देओ काफरो मैं तुहानूं माफ कीता, अल्लाहु अकबर कैदियो मैं तुहानूं आजाद कीता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक गुस्ताख सी अब्दुल्ला बिन खतल, नबी पाक फरमांदे ने एक काबे दे गुलाफ दे अंदर भी मिल जाए तेनूं कतल कर देना है, मिकियस काबे दे गुलाफ दे अंदर भी मिल जाए तेनूं कतल कर देना है। इसे तरह होर भी दो लोगों बारे नबी पाक ने ऐलान फरमाया, इकरमा बिन अबी जहल बारे भी ऐलान फरमाया कि जिथे जिथे मिल जान इन्हां नूं नहीं छड़ना, लाजमन कतल कर देना है। अब्दुल्ला बिन खतल नूं भी कतल कर दिता गया है, मिकियस नूं भी कतल कर दिता गया है, ते इकरमा यमन नूं दौड़ गया है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम लम्दा मक्का छड़ के ते यमन जा रहे है, कश्ती अंदर सवार होया। कश्ती अंदर सवार हों तो पहले सारे काफर कहंदे ने या लात या मनात या उज़ा, अपने मबूदा नूं पुकारदे ने ते कश्ती ते बह जांदे ने। जिस वक्त कश्ती जनाब समुंदर दे अंदर दरिया दे अंदर फस गई, गर्दश अंदर आ गई, ते उदो सारे मुशरक कहंदे ने या अल्लाह, ते इकरमा कहंदा है नबी पाक नाल तुसी जंगे बदर कीती, जंगे उहद कीती, जंगे खंदक कीती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा नूं मक्के अंदरों कढ़िया, नबी पाक नूं कढ़िया, लड़ाई ये हुई सी, तुसी या लात या उज़्ज़त या मनात कहंदे सो। नबी पाक कहंदे सन या अल्लाह क्या करो, ए हुई ते लड़ाई सी ते अज ओही कम तुसी गश्ती फस गई है ते कर रहे हो, मैनूं पता चल गया तुसी झूठे हो, अल्लाह दा पैगंबर सच्चा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इकरमा वापस आ गया है अपने घर अंदर, रात दे अंधेरे अंदर, ते बीवी कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी है। अल्लाहु अकबर। ते बीवी कहंदी है इकरमा मैं मुसलमान हाँ, तू काफर है, मेरे नज़दीक भी ना आई और मेरे घर अंदरों भी निकल जा। ते इकरमा कहंदा है जिस नबी दा कलमा तू पढ़िया है उहदा कलमा मैं पढ़न वास्ते आया वा। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते इस बीवी ने इकरमा नू अमान दिती है, और फिर दे दोवे हाथ। इकरमा अबू जहल दा बेटा सरदार मक्के दा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकाबले अंदर। अल्लाह अकबर। ते दी बहन ने दे बाजू पीछे कर रहे, इकरमा दे दोवे हाथ बन दिते, ते हाथ बन के ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे को लै गईए, ते जाके कहंदी है अल्लाह दे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, मैं इकरमा नू अमान दित्ती है, जिथे इन्हां नू माफ कीता है उते इकरमा नू भी कर दियो।
ते नबी पाक फरमांदे ने मैं इकरमा नूं भी माफ कीता है। और इकरमा दा ख्वाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पहले आ चुकिया सी। नबी पाक ने एक दिन हजरत आयशा नूं ख्वाब सुनाया कि मैं अबू जहल दे घर अंदर एक जन्नत दी खजूर देखी है। हजरत आयशा फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी जन्नत दी खजूर ते इस उम्मत दे फिरौन अबू जहल दे घर एक किवें हो सकदा है। ते इकरमा जदों मुसलमान होया ते उस ख्वाब दी ताबीर पूरी हुई कि ए ख्वाब ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जरा कदी झूठा नहीं हो सकता। और इकरमा मुसलमान हो के जन्नत दा वारस बन गया। मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने ते हिबार भी आ गया माफी मंगण वास्ते। जान दे ओही बार कौन है? ए ओही बार है जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी नू नेजा मार के शहीद कीता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अल्लाहु अकबर बेटी हामिला भी है ते जालिम ने पेट अंदर नेजा मारिया है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नवासा जड़ा हमल दी हालत अंदर सी ओ हमल भी जाया हो जांदा है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी भी शहीद हो जाती है। ते नबी पाक दे सामने उन बेटी दा कातल बैठा है। अल्लाहु अकबर। संग दिल मुसलमानों तुसी क्यों नहीं माफ कर दे सके परावानों? तुसी जिस नबी दा कलमा पढ़िया उदी सीरत ते वेखो ना, जिस नबी दा कलमा पढ़िया उदी सीरत ते अमल ते करो ना। नबी पाक फरमांदे ने ही बार दुख ते तू बड़ा दिता है। मां बाप नू बेटियां दे बड़े दुख होया करदे ने, बड़े सदमे होया करदे ने। बेटियां दे दुख मां बाप कोलो बर्दाश्त नहीं हुआ कर दे। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने ही बार तू दुख ते बड़ा दिता सी, जा मैं अज तेनू भी माफ करना, कलमा पढ़ के मेरा सहाबी बन जा। अल्लाहु अकबर। और नबी पाक नाल ही फरमांदे ने ही बार अज तो बाद मेरिया नजरा दे सामने ना आई, क्योंकि जिदो तू मेरे सामने आएगा मैनू अपनी बेटी याद आ जाएगी। अल्लाहु अकबर। ते नबी पाक ने अपनी बेटी दे कातल हिबार नू भी माफ कर दिता है। ते जदो हिबार नू माफ कीता ते इधरों वहशी भी आ गया। ते वहशी भी आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने बैठ जांदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचा नूं कतल करन वाला वहशी, हजरत हमजा दे कन्ना नूं कट देन वाला वहशी, हजरत हमजा दे नक नूं कट देन वाला वहशी, गर्दन नूं तम नालों जुदा कर देन वाला वहशी, हजरत अमीरे हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु दा सीना चाक करके दिल निकाल के ते उन्हूं चुबान वाला वाशी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों वाशी नूं वेख्या ते अमीर हमजा दी याद आ गई ते नबी पाक फिर ज़रो कतार रोना शुरू हो गए। नबी पाक फरमांदे ने ओ वाशी मैं तेनूं कलमा पढ़ा देंगा, माफ कर देंगा, पहले मैनूं दास्तान ते सुनाना तू किवें मेरे अमीर हमजा नूं जन्नत अंदर पहुंचाया। ते ए वाशी दास्तान सुना रहा है कि मैं इस तरह अमीर हमजा दे कन्ना नूं कटिया, मैं इस तरह अमीरे हमजा दे नक नूं कटिया, मैं इस तरह अमीरे हमजा दे सीने नूं चाक कीता, फिर मैं इस तरह उन्हां दा दिल कढ के चपाया। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सुनदे जा रहे ने ते नाले नबी पाक जारो कितार रोंदे जा रहे ने। ते अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने वाहशी जा अज मुहम्मद ने तेनू भी माफ कर दिता है, पर अज तो बाद तू भी मेरिया नजरां दे सामने ना आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने नू भी माफ कर दिता है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ के ओ 2000 कैदी भी मुसलमान हो गए, वड़े वड़े काफर भी मुसलमान हो गए, वड़े वड़े सरदार भी मुसलमान हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ने फताता फरमाइए 10 रमजान ने और 8 हिजरी मंगल वाला देने। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ने मक्का फतह करके वापस दे दिता है। और नबी पाक बिलाल नू कहंदे ने बिलाल छत ते चढ़ जा ते अजान सुना दे।
अल्लाह अकबर कौन बिलाले, नबी पाक दी खातर मारा खान वाला बिलाले, ओ बिलाले जिनू मक्के दे अंदर गर्म रेटां ते लटाया जांदा और क्या जांदा कलमा छड़ दे ते हजरत बिलाल कहंदे अल्लाह अहद अल्लाह अहद। उमैया फिर हजरत बिलाल ते जुलम करदा, फिर गर्म रेत ते लटांदा, फिर उत्ते भारी पत्थर रख देंदा, फिर हजरत बिलाल लेकिन फिर भी बिलाल कहते सन अल्लाह अहद अल्लाह अहद। कोयलिया ते लेट के भी नबी पाक दे दीन नाल वफा करना मेरे नबी पाक दे सहाबा दी सुन्नत है। उन्होंने अपनी जाना भी दीन दे नाल पेश कर दितियां। असी दीन दे मामले अंदर सियासतां, मस्जिद दे मामले अंदर सियासतां, अल्लाहु अकबर। फिर नबी पाक दी दीन तबलीग नूं अगे पहुंचाण वास्ते उहदे अंदर भी सियासतां। ये जदों दियां दीन अंदर, तबलीग अंदर, नबी पाक दी सुन्नत अंदर, मस्जिद अंदर सियासतां वड़ गईयां ने, अल्लाह दी कसम है उदों दियां सारियां बरकतां रहमतां खत्म हो गईयां ने, मस्जिदां बेआबाद हो गईयां ने। मेरे पैगंबर दे सहाबा ने वफा कीती है दीन दे नाल ते अपनियां जानां दा नजराना पेश करके। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु खाना काबा दी छत ते चढ़ गए ने, नाले अज़ाम दे रहे ने ते आन देंदे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु दियां कूकां बुलंद हो गईयां। नाले हजरत बिलाल अजान दे रहे ते नाले ज़ारो कितार रो रहे ने रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु। ए नबी पाक दा ओ बिलाल ए जिन्हों इन्ना ही गलियां दे अंदर घसीटिया गया सी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद अंदर फरमा रहे ने इन्ना फतहना लका फतहम मुबीन। रमजान उल मुबारक दे महीने अंदर प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मक्का नू फतह कीता है और फिर मक्का फतह होने तो बाद हुनैन अंदर नबी पाक गए ने, उस तो बाद हुनैन नू फतह कीता है और इस मक्के फतह मक्का दे अंदर बहुत सारे मसाइल ने, बहुत सारे वाकयात ने और ये बहुत बड़ा समुंदर है जिन्हों मैं मुख्तसर वक्त अंदर समेटने की कोशिश की थी। जो सानू सबक मिले है, दुआ करो अल्लाह सानू अमल करने दी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह साडे भी दिलां नरम फरमाए, अल्लाह सानू भी सुलह करम दी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू भी दीन दे नाल वफा करम दी तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।